अगर मैं लॉकअप जीतता भी नहीं तो भी लोग किसे याद करते, सिर्फ मुझे ही याद करते और किसी को नहीं। इस तरीके से मुनव्वर ने जो है मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कल उन्होंने एक दावत डिनर पार्टी रखी थी जहाँ पे उनकी फैमिली भी थी, यानी उनकी जो बहनें, उनकी भांजा, उनकी भांजी, साथ ही साथ वहाँ पे गार्ड्स भी आए थे जो लॉकअप के अंदर दिखाई दिए थे। कैदियों में सिर्फ आजमा आई थी एंड ऑफ कोर्स उनकी बबी तो उनके साथ थी ही। जब मीडिया के साथ उनकी बात चल रही थी, इंटरेक्शन हो रहा था, तब वो बात करते हुए नजर आए कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे कोई जीते ना जीते वो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस का दिल जीतना चाहिए, ऑडियंस के दिल में जगह होनी चाहिए। ऐसे तो कभी होता नहीं कि मैं लॉकअप जीतता नहीं, लेकिन अगर नहीं जीतता तो याद कौन आता, मैं ही आता ना। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुनव्वर। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिकवल। मुनव्वर का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसके ऊपर फैंस का क्या कुछ है कहना, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। लेकिन सबसे पहले मुनव्वर का ये जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है वो वीडियो पहले आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से मुनव्वर बात करते हुए नजर आए, ऐसा होता तो नहीं कभी कि मैं नहीं जीता और कोई और जीत जाता, बट अगर ऐसा हुआ भी होता तो भी याद किसे रखते, मुझे ही याद रखते हैं और मुझे करना ही ऐसा काम है कि यू नो जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ भर भर के कंटेंट दूँ और भर भर के लोगों को एंटरटेन करूँ। और भले विनर याद नहीं रखा जाए लेकिन मैं याद रखा जाऊँ। जीत हार तो होती रहती है, जीत हार से नहीं ऑडियंस के दिल में जगह बनाने से मतलब है। इस तरीके से मुनव्वर बात करते हुए नजर आए, जिसके ऊपर फैंस का कहना है कि मुनव्वर आप हो सेल्फ अवेयर, वी सुपर सुपर डुपर लव यू। तो कोई कह रहा है बिंगो मुनव्वर, तुमने एग्जैक्टली रियलिटी शोज का जो कंसेप्ट है उसे समझा है एंड आई थिंक दिस इज वाई योर वे अहेड इन योर लाइफ। तो कोई कह रहा है डोंगरी की शान सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर। तो कोई कह रहा है विनर विनर सिर्फ मुनव्वर विनर। तो कोई कह रहा है मुनव्वर जिस तरीके से तुम बात करते हो, जिस तरीके से डाउन टू अर्थ हो, आई थिंक तुम्हारे जैसा कभी भी कोई भी नहीं बन सकता। तो कोई कह रहा है बोलता बहुत शानदार है, सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है, मुनव्वर तुम हमारी जान हो। तो कोई कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट फोकस्ड पर्सन आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। आजकल के लोग जो है उन्हें पता नहीं होता क्या चाहिए, लेकिन मुनव्वर को एग्जैक्टली पता है उसके लाइफ में क्या चाहिए। तो कोई कह रहा है दिस इज़ सो ट्रू, ही वॉज द ओनली हाईलाइटेड पर्सन वी वुड रिमेंबर, अगर वो हारता भी तो भी सिर्फ उसी को याद रखा जाता है। इस तरीके से फैंस कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।